जनपद में आंशिक कोरोना कर्फ्यू के दौरान तय समय के बाद जो दुकानें खुली नजर आ रही हैं, उनके खिलाफ पुलिस लगातार कार्रवाई कर चालान काटने के साथ महामारी एक्ट में मुकदमा दर्ज कर विधिक कार्रवाई कर रही है। इस संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार पी ने बताया कि तय समय के बाद जो लोग दुकानें खोलकर बैठे हैं, उनके विरुद्ध पुलिस कार्रवाई कर रही है। इस दौरान आवश्यक वस्तुओं की दुकानें जैसे दवा की दुकानें और संबंधित दुकानें 24 घंटे खुल रही हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार पी ने बताया कि प्रशासन की ओर से सुबह 6 बजे से लेकर 10 बजे तक तथा आवश्यक वस्तुएं जैसे राशन की दुकान, सब्जी की दुकान खोलने का समय निर्धारित तो है, शाम को 5 बजे से 8 बजे तक। इसके बाद जो दुकानें खोले नजर आ रहे हैं, उसके खिलाफ महामारी एक्ट के तहत कार्रवाई करने के साथ एनफोर्समेंट की कार्रवाई की जा रही है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार पी ने बताया, देखिए जो सूचना दे रहे हैं वहाँ पे तत्काल मौके पर पहुँच के दुकानें बंद किए जा रहा है। आवश्यक वस्तुओं की दुकानें जैसे दवा है और अन्य जो दवाओं से रिलेटेड या हॉस्पिटल से रिलेटेड दुकानें, उसको तो 24 घंटे खोलने की अनुमति दे रहे हैं। बाकी नियमानुसार जो सुबह 6 से 10 तक हम लोग अनुमति दिए हैं, सब्जी की दुकान, किराने की दुकान, अन्य जो दुकान जो आवश्यक वस्तुओं को बेचते हैं, और दूसरा शाम को 5 से 8 तक खोलने की अनुमति दे रहे हैं। इसके अतिरिक्त तो जो बंद खोल रहे हैं तो उनको वहाँ पे उनके खिलाफ कार्रवाई भी, महामारी अधिनियम के खिलाफ मुकदमा भी लिखा जा रहा है, एनफोर्समेंट की कार्रवाई भी लगातार किए जा रहा है।